क्रैश कोर्स से कर रहे हो या पिछले साल का नोट्स है तो थोड़ा यहाँ पर चेक कर लेना एंड याद कर लेना। मैं दो तीन दिनों से बायो पढ़ ही नहीं रहा, मेरा टैब का एक प्रॉब्लम हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोग का पढ़ाई चल रहा है बहुत ही मस्त। सो आ गया हूँ एक और नई शुरुआत के साथ। आज मैं 9 बजे उठाऊँ गाइस एंड जस्ट चाय वाय लेके आया हूँ अभी। ये टोस्ट चैप्टर को बहुत अच्छा लगता है। टू डू लिस्ट बनाने से स्टार्ट करते हैं क्योंकि नाइट में मैं टू डू लिस्ट बनाना भूल गया था। जिस दिन मैं टू डू लिस्ट नहीं बनाता उस दिन मेरा प्लानिंग अच्छा नहीं होता, मतलब दिन खराब जाता है। सो टू डू लिस्ट बनाना तो मस्ट है। आज का प्लानिंग है मेरा वर्क और एनर्जी का, पढ़ाई करना, इनऑर्गेनिक का पढ़ाई करना, कैपेसिटेंस पढ़ना एंड थोड़ा सा बायो पढ़ना। तो देखते हैं कितना कुछ कर पाते हैं। तो गाइस आज का डे स्टार्ट किया मैं अपने इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक में अभी केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट पोर्शन चल रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग आज खत्म हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह साथ साथ कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है। पीआईक्यू तो मैं आज नहीं करने वाला, सो मैं कल करूँगा क्योंकि आज मैं अगर पढ़ने के बाद ही कर लूँ तो मेरे को सब याद ही रहेगा, तो चांस कम है। इसलिए मैं एक दिन या दो दिन बाद करता हूँ तो मेरा कितना रिकॉल करवाता हूँ ये देखने के लिए, खुद को टेस्ट करने के लिए। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 11:51 एंड मेरा 2 आवर का स्टडी जस्ट कंप्लीट हुआ है। तो गाइज एक बात बताने के लिए मैं अभी आया क्योंकि थोड़ा सा और भी मेरा सेल्फ स्टडी बाकी है, देन इसका लेक्चर का पढ़ाई कंप्लीट होगा। बॉस बहुत कुछ है यहाँ पर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड अभी सिर्फ बाकी है, देन उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर का पढ़ाई। तो वो बात नहीं है, जो मैं बताने आया ये सुन लो। तो मैं क्रैश कोर्स से पढ़ाऊँ तो उससे वहाँ पर जी रेट एंड जी रेट पढ़ाया था जो कि अब हटा दिया गया है। एंड यहाँ पर ये इस साल का नोट है जो मैं लेक्चर भी देखा थोड़ा सा, जहाँ पर मेरा प्रॉब्लम था वहाँ पर जी रेट एंड जी रेट का कोई बात नहीं है एंड सर ने भी बोला वो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक बात गाइस, पीपी में जो सिग्मा बीएमओ एंड सिग्मा एबीएमओ उसमें पहले नोडल प्लेन अलग था एंड अभी नोडल प्लेन अलग है जो जेई के कारण थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले पीपी का सिग्मा बीएमओ में नोडल प्लेन वन ही था शायद, एक सेकेंड नहीं सॉरी जीरो था, मैं भी गलत बोल रहा हूँ। हाँ ये सही है, ये देखो जीरो था जो कि मैंने क्रॉस कर दिया एंड ए बी एम ओ में 1 था जो कि चेंज करके अभी चेंज हो गया है, मतलब टोटल काउंट हो रहा है। जो कि अगर आप लोग क्रैश कोर्स से कर रहे हो या पिछले साल का नोट्स है तो थोड़ा यहाँ पर चेक कर लेना एंड याद कर लेना अच्छे से। तो यही बताने के लिए आया था एंड मैं अभी करेक्ट किया, मेरे को भी नहीं पता था। मैं जस्ट लेक्चर ओपन किया कि थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा था तो लेक्चर से देखने के लिए, तो मैंने पहले नोट्स देखा तो अब यार ये तो चेंज कर दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ। फिर लेक्चर ऑन करके देखा तो थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझ आ गया एंड थोड़ा सा चेंज हुआ, उसको करेक्ट कर लिया। अभी थोड़ा सा याद करना है, देन उसके बाद बाकी का थोड़ा सा और बचा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अच्छे से आप भी याद कर लेना एंड चेंज कर लेना अगर आप पिछले साल के नोट से या कहीं और से कर रहे हो तो देख लेना गाइस। और गाइस पिछली वीडियो में तो मैं बहुत कुछ डिस्कस किया था, क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं एंड नीट एस्पिरेंट क्या हो रहा है अभी बहुत लोगों का लाइफ में, बहुत कुछ डिस्कस किया था। अगर नहीं देखा तो देख लेना, दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है मैं बता दूँ थोड़ा सा। मतलब पढ़ने बैठता हूँ ना तो इधर उधर का बातें एक साथ मतलब सर पे घूमता रहता है एंड डिस्ट्रैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा हूँ। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है, सब कुछ फोड़ देने का मन कर रहा है लेकिन फोड़ के भी क्या ही फ़ायदा। गाइस अभी मेरा स्टडी हुआ, मतलब एक मिनट सिर्फ बाकी है वरना 3 आवर हो जाएगा एंड अभी टाइम हो रहा है 1:12। तो चलो गाइज मैं अभी जा रहा हूँ साउंड लेने एंड मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगा है, इसको कंप्लीट कर पाया बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरा इस चैप्टर कंप्लीट, सिर्फ पीआईक्यू का क्वेश्चंस वगैरह सिर्फ बाकी है, तो वो लास्ट लेक्चर में करवाया है तो वहाँ से भी मैं कर लूँगा आज ही। तो चलो साउंड लेते हैं एंड लंच करते हैं, बाकी का पढ़ाई फिर कंटिन्यू करते हैं। से थोड़ा सा ठंड कम है इसके कारण मैं कल स्वेटर वेटर इतना कुछ पहना नहीं था एंड एक्चुअली मेरे को लग रहा था कि ठंड कम है इसलिए है ही करूँ रहने देते हैं नाइट पे, जिसके कारण मेरे को ठंड लग गया है। क्या ही बताओ, मतलब ऐसा आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो अपना क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा मतलब ठंड लग गया है मेरे को जिसके कारण थोड़ा सा यहाँ पर दर्द हो रहा है एंड चलो ठीक है देखते हैं एंड थोड़ा आवाज़ भी भारी भारी सा है। कोई बात नहीं, चलो जब भी पहले सामने लेते हैं। ये है आज का लंच,
लंच करने के बाद सीधा आके स्टडी स्टार्ट कर दिया। मैं अभी कर रहा हूँ अकबर एनर्जी। एंड गाइस मैं बताना तो भूल ही गया, आजकल मेरा नींद बहुत कम हो रहा है गाइस, पता नहीं क्यों। एंड मेरे को लग रहा है थोड़ा टेंशन वेंशन ज़्यादा कर रहा हूँ। एंड नाइट में जब सोने जाता हूँ बहुत कुछ दिमाग पे घूमता है, मतलब स्टडी रिलेटेड, एब्रॉड एडमिशन रिलेटेड और भी बहुत कुछ। इसके कारण शायद नींद मेरा कम हो रहा है, जिसके कारण मेरे को अच्छा नहीं लगता कभी कभी। तो फाइनली गाइस मेरा फिजिक्स का स्टडी भी कंप्लीट हो चुका है। अभी टाइम देख सकते हो 4:44। एंड इधर मैं नोट्स पढ़ रहा था, अब थोड़ी देर पहले ही गुआवा एंड शकरकंद को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, ये सब देखे गया खाने के लिए, तो मैं खा ही रहा था। एंड खाते खाते जस्ट अभी पढ़ा था, थोड़ा सा नींद नींद लग रहा है क्योंकि कल अच्छे से नींद पूरा नहीं हुआ है। एंड आज तो फिर से सोया भी नहीं हूँ, ऐसे ही सर भी स्टडी चल रहा है, और भी बहुत कुछ पढ़ना है। अभी थोड़ा सा लेक्चर का स्टार्ट करेंगे, लेक्चर वेक्चर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा 5:30 बजे तक थोड़ा रेस्ट वेस्ट लेते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर स्टडी मतलब लेक्चर। ब्रेक लेने के बाद मैंने लेक्चर तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये था POIQ सेशन एंड इसमें प्रेडिक्टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग दोनों का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा है सर, मतलब लास्ट लेक्चर है। एंड मेरे को टैब से करना हो रहा है क्योंकि मैं तो मॉड वर्सन APK यूज कर रहा हूँ, जो कि आप लोग को पता ही होगा, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। तो कोई बात नहीं, चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। एंड आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो, DPP के अलावा और कुछ कर रहे हो क्या? अगर कुछ और कर रहे हो तो मेरे को बताना, मैं तो DPPs एंड POIQs छोड़ के अभी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। एंड क्लास नोट फुल डिपेंड ऑन क्लास नोट। फाइनली मेरा कंप्लीट हो चुका है POIQ सेशन एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, अभी 8:15 टाइम हो रहा है। एंड मैं बीच बीच में रुक गया था क्योंकि मैं पॉज करके करके कर रहा था ना, इसलिए मैं खुद से सॉल्व कर रहा था, कुछ ज़्यादा ही गलती कर दिया, सॉरी। मतलब पीरियडिक टेबल का इंक्लूडेड था इसमें POIQs, तो थोड़ा सा रिविजन की ज़रूरत है मेरा पीरियडिक टेबल, जो मैं फुल किया, मतलब याद था थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादातर गलती किया। एंड केमिकल बॉन्डिंग का ज़्यादातर सही था तो इसलिए अच्छा लगा। तो कोई बात नहीं, पीरियडिक टेबल एक बार और रिविजन करना होगा मेरे को, मतलब ज़्यादा टाइम हो गया, फिर से भूल गया मैं। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, पता नहीं कि वो थोड़ा जुकाम की वजह से शायद मैं। चलो एक इसका लेक्चर तो कंप्लीट, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर भी कंप्लीट, इसका थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कल करूँगा, तो कल करके इसको निपटा देंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। तो मैं तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करके कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन का लेक्चर तो कर रखा है, सिर्फ एक बार मेरे को पढ़ना होगा। मैं उस स्टडी इन ट्रेन पे किया था जो कि आप लोग शायद देखे हो, अगर नहीं देखे हो तो आई बटन पर लिंक है, जाके देख लेना। तो चलो अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एंड डिनर विनर करने के बाद फिर से स्टार्ट करता हूँ पढ़ाई। अभी मैं अपना प्लानिंग वगैरह सब कुछ देख रहा था एंड मेरे को पता चला कि मैं 2-3 दिनों से बायो पढ़ ही नहीं रहा, मतलब पढ़ रहा हूँ बहुत कम, मतलब बहुत ही कम, नेग्लिजिबल है। तो मैं अभी सोचा कि यह करने से कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि बायो को साथ साथ लेके चलना होगा एंड फिजिक्स केमिस्ट्री तो ज़्यादा फोकस कर दिया तो थोड़ा एवरेज करना होगा। सोचा कि अभी मॉर्फो का लेक्चर आज या कल तक मैं कंप्लीट कर लूँगा क्योंकि आज बहुत कुछ और भी पढ़ना है, तो उसके साथ साथ आई डोंट थिंक कि कंप्लीट कर पाऊँ लेक्चर। अभी भी 3 घंटे का शायद लेक्चर है, तो देखते हैं कितने कंप्लीट कर पाते हैं। एंड बाकी में मॉर्फो एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ये 3 चैप्टर मेरे को बहुत ख़राब लगता है, तो इन 3 चैप्टर को मैं धीरे धीरे एकदम आराम से करूँगा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूंगा एंड लेक्चर जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगा। एंड साइड में कुछ और भी चैप्टर्स पढ़ना होगा मेरे को, चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाए बायो का, ताकि सिलेबस भी जल्दी से कवर हो जाए। तो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आना आप लोग का सिलेबस कितना दूर हुआ, क्या क्या चल रहा है। डिनर करके आ चुका हूँ एंड अभी टाइम हो रहा है 10 बजे एंड लेक्चर भी स्टार्ट मतलब करके रखा हूँ, अभी मैं स्टार्ट करूँगा लेक्चर। लेकिन गाइज मेरा टैब का एक प्रॉब्लम हो चुका है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये चेक करूँ, इधर का जो मैगनेट रहता है ना यहाँ पर, वो यहाँ पर भी है लेकिन ये कल निकल गया था, जो मैं फिर यहाँ पर घुसा दिया, लेकिन मैं शायद उल्टा घुसा दिया जिसके कारण लग रहा है, तो इधर लग रहा है लेकिन इधर नहीं लग रहा है, देख रहे हो, इधर देखो थोड़ा सा रह रहा है, जिसके कारण बहुत दिक्कत आ रहा है थोड़ा सा मेरे को यूज़ करने में, मतलब रखने में कहाँ पर भी। सो
यही कर सकते हैं, उसको निकालने का ट्राई किया, निकल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं फिर से बेड पे आके स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ठंड लग रहा है बाहर। दोपहर से ठंड नहीं था लेकिन अभी बहुत ठंड लग रहा है। तो चलो पहले लेक्चर करते हैं। इमरसन मेडिसिन बना के कितना मेरे लिए आसान कर दिया है, मैं खुद ही नहीं पता मेरे को, एंड कितनों का कितना हेल्प हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा बहुत हेल्प हुआ गाइस बहुत, एंड अभी भी हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ मेडिसिन से, तो बहुत ईजी हो रहा है। लेक्चर करते करते जब भी लास्ट तक आए तब मेरे को बहुत नींद लगने लग गया, जिसके कारण और मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया। लगभग 12:30 बज गया था, एंड उसके बाद में व्लॉग एंड करना भी भूल गए, इतना नींद आया। सो इतना ही था गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड व्लॉग पे, बाय बाय।